हेलो एंड शालोम एवरीवन, मैं हूं नीतू पी चौधरी और मैं आपको जिंदगी को गले लगाने के लिए एनकरेज करना चाहती हूं। अगर आज हम अपनी जिंदगी में सोचते हैं कि आपको स्ट्रगल्स में से, आपको सफरिंग्स में से होकर गुजरना पड़ रहा है और आपके लिए बहुत मुश्किल है ये स्टेज जिसमें से आप पार जा रहे हैं, तो मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ। एक बार एक इंसान होता है, वो अपने गार्डन में जब देख रहा होता है तो उस जगह पर उसे एक प्यूपा दिखाई देता है, एक ऐसा इंसेक्ट जो कि पूरी की पूरी तरह खाल के साथ बंधा हुआ होता है और उसमें से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है। अब उसे उस कीड़े के ऊपर, प्यूपा के ऊपर बहुत ही तरस आता है और वो क्या करता है, उसका ककून को सिजर्स के साथ काट देता है। अब वो वेट करता रहता है कि ये ककून अब बटरफ्लाई बनेगा, लेकिन वो बटरफ्लाई बनता ही नहीं है और बेचारा रेंगता सारी जिंदगी वहीं पर खत्म कर देता है और कुछ दिनों के बाद मर जाता है। अब ये इंसान बड़ा ही परेशान होता है और ये एक जूलॉजी के प्रोफेसर के पास जाता है, उसे पूछता है कि ये क्या बात हुई, वो क्यों नहीं बटरफ्लाई बना। तो वो उसको समझाता है कि जो प्यूपल स्टेज होती है, जो ककून के अंदर अलग रहने की स्टेज होती है, जिसमें कि वो कोई भी इंटरेक्शन नहीं कर रहा होता है, वो इंसेक्ट एक बटरफ्लाई बनने से पहले पूरे वर्ल्ड से अलग किया जाता है, उस एक इतने से खोखली सी जगह के अंदर रहकर वो डेवलप हो रहा होता है। और वो इसलिए क्योंकि उसी समय में उसकी आंखें डेवलप हो रही होती हैं, उसके विंग्स डेवलप हो रहे होते हैं, उसकी टांगें डेवलप हो रही होती हैं, उसके एंटीनास डेवलप हो रहे होते हैं, और जब वो अपने आप को पुश आउट करता है उसमें से, तो वो जो विंग्स के उसके जो मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन हो जाते हैं और उसको वो मौका दिया जाता है, उसको वो स्ट्रेंथ मिलती है कि वो बटरफ्लाई बनने के बाद आराम से उड़ सके। तो कहते हैं जब तुमने उसको काट दिया, जब उसको तुमने खराब कर दिया, तो ऑब्वियसली जो उसका प्रोसेस था उसी को तुमने खराब कर दिया, तो वो कैसे बटरफ्लाई बन सकता है। हो सकता है कि आज आप भी अपनी जिंदगी में जिन सफरिंग्स में से होकर निकल रहे हैं, जिन मुद्दों को आप अकेले जद्दोजहद के साथ पूरी तरह से ठीक करने की कोशिश कर रहे हो और नहीं कर पा रहे, आप उनमें यही सोच रहे हो, परमेश्वर मैं क्यों, खुदावन मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं क्यों ये चीजों को सहूं, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपके स्पिरिचुअल विंग्स को, आपके परमेश्वर उन चीजों को, मसल्स को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं ताकि आप आगे जाके एक अच्छे ग्लोरियस फ्यूचर को अपने एम्ब्रेस में ले सके। क्योंकि दो चीजें बताई गई हैं वचन में, एक है प्रेजेंट और एक है फ्यूचर। अगर हम रोमन्स 8:18 की भी बात करें तो वहां पर लिखा हुआ है कि जो अभी की तुम्हारी प्रेजेंट सफरिंग है, अभी का जो तुम्हारा दर्द है, वो आने वाली उस सुंदरता के सामने, उस ग्लोरी के सामने कुछ भी नहीं है जो तुम पाने जा रहे हो। आज यही बात मैं आपकी लाइफ में बोलना चाहती हूँ। प्रेजेंट में आपको सफरिंग्स दिख सकती है, प्रेजेंट में आपको अलगाव दिख सकता है, प्रेजेंट में आपको ऐसा दिख सकता है कि कोई आपके साथ नहीं खड़ा और आप सब कुछ अकेले मैनेज कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने फ्यूचर के लिए आपके लिए एक ग्लोरियस टाइम रखा है, एक बेहतरीन समय रखा है। तो अभी के लिए आप उसको होने दें, बिकॉज दैट इज अ पार्ट ऑफ योर प्रोसेस, ताकि आगे जाके आप उस चीज को ले सकें, उस डेस्टिनी को ले सकें जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। सो बी एनकरेज्ड, बी मोटिवेटेड, क्योंकि खुदावंद आपकी जिंदगी में बेहतरीन काम करने वाले परमेश्वर है। गॉड ब्लेस यू।